फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। जीएसटी परिषद की अगले महीने होने वाली बैठक में 5% के कर स्लैब को खत्म किया जा सकता है। इसके स्थान पर कुछ अधिक खपत वाले उत्पादों को 3% और शेष को 8% के स्लैब में डाला जा सकता है। राजस्व बढ़ाने को लेकर ज्यादातर राज्यों की एक राय है, जिससे उन्हें मुआवजे के लिए केंद्र पर निर्भर नहीं रहना पड़े। फिलहाल जीएसटी में 5, 12, 18 और 28% के 4 कर स्लैब हैं, जबकि सोने और स्वर्ण आभूषणों पर 3% कर लगता है। इसके अतिरिक्त कुछ बिना ब्रांड और बिना पैकिंग वाले उत्पाद हैं जिन पर जीएसटी नहीं लगता है। सूत्रों के मुताबिक राजस्व बढ़ाने के लिए परिषद कुछ गैर खाद्य वस्तुओं को 3% स्लैब में लाकर छूट प्रदान वस्तुओं की सूची में कटौती करने का निर्णय ले सकती है। सूत्रों का कहना है कि 5% स्लैब को बढ़ाकर 7 या 8 अथवा 9% करने की चर्चा चल रही है। इस पर अंतिम निर्णय जीएसटी परिषद लेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री की अगुवाई वाली जीएसटी परिषद में सभी राज्यों के वित्त मंत्री हैं। 5% स्लैब में प्रत्येक 1% की वृद्धि से मोटे तौर पर सालाना 50,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। अन्य विकल्पों पर भी विचार हो रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि परिषद में अधिकांश वस्तुओं के लिए 8% जीएसटी पर सहमति बनने की उम्मीद है। फिलहाल इन उत्पादों पर जीएसटी की दर 5% है। जीएसटी के तहत आवश्यक वस्तुओं पर या तो सबसे कम कर लगाया जाता है या फिर उन्हें कर से पूरी छूट मिली है। वहीं विलासिता वाली वस्तुओं पर सबसे अधिक कर लगता है। इन पर 28% कर के साथ उपकर भी लगता है। इस उपकर संग्रह का इस्तेमाल राज्यों को जीएसटी को लागू करने से राजस्व में हुए नुकसान की भरपाई के लिए किया जाता है। जून में जीएसटी मुआवजा व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।